गाइस तो फाइनली आज आई है मेरे पास अपाचे RR 310। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार ये मीटर में दिखा देना। जैसे कि इसकी हम की ऑन करेंगे तो आप नोटिस करना, इसमें एक बार मैंने इसका स्पीडोमीटर ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं ये यहाँ बहुत सारे एरर आ रहे हैं इसमें। और जैसे ही हम गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पे जैसे ही यहाँ 6 की स्पीड होती है तो क्या होता है, ये ABS की लाइट ऑफ हो जाती है। तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ ABS ठीक काम कर रहा है। तो ना तो ये ऑफ हो रही है और दूसरी FI लाइट भी आ रही है। और क्या दिक्कत हो रही है इसमें? FI लाइट आ रही है और इसके मोड चेंज नहीं हो रहे हैं। कोई भी करके दिखाना, मोड चेंज नहीं हो रहे हैं और ABS काम नहीं कर रहा है इसका। जैसे हम यहाँ जाके मोड चेंज करते हैं ये भी नहीं हो पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये इसके मोड चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये गाड़ी कहीं काम होने के लिए गई थी, मोड चेंज एरर का साइन आ रहा है। क्या हो रहा है? मोड चेंज एरर का साइन आ रहा है ऊपर। हाँ, वो चेंज भी नहीं हो पा रहे ना। हाँ, तो फाइनली इसी काम के लिए गाड़ी आई है, ABS भी काम नहीं कर रहा है। तो ये गाड़ी एक्चुअली क्या था, ये गाड़ी मतलब कहीं काम होने के लिए गई थी और शोरूम गई थी ना, शोरूम गई थी ये गाड़ी। तो वहाँ इसका जो भी काम हुआ होगा इतना तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था करके। तो अभी हमने इसको, मेरे पास एक सेंसर पड़ा था दूसरा, तो ये सेंसर मैंने लगा के चेक किया इसका पीछे का ABS का। तो ये सेंसर मेरे पास पड़ा था, मैंने दूसरा लगा के देखा तो मुझे एक चीज़ इसमें मिली, जो इसका ये सेंसर होता है ABS का, इसमें क्या है, ये एक तो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये इसका पुराना सेंसर का कपलर है जो अभी मैंने अपने पास से लगाया, और ये इसका वो सेंसर है जो गाड़ी के साथ पहले से लगा था। तो पहले मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ। ये इसमें यहाँ ऐसा एक लॉक होता है, तो इस लॉक में ये लॉक होता है, तो जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ डालूँगा तो ये पूरा लॉक नहीं हो पा रहा है, आप देख सकते हैं ये लॉक नहीं हो पा रहा है। और अगर इसी में ये मैं अपना लगाऊंगा तो आप देखना यहाँ पर, जैसे ही मैंने यहाँ लगाया और ये आराम से लॉक हो गया, ये बाहर की साइड नहीं आएगा, आप खींचने पर बाहर नहीं खींचेगा। तो उसके बाद ये मैंने निकाल दिया अपना, और ये कस्टमरों का जो पहले से था वो लगा रहा हूँ तो ये नहीं लग पा रहा है। और इसमें मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ आपको, ये जब मैंने इसमें सॉफ्टवेयर लगाया इसमें तो इसमें कुछ कोड दिखा रहा था, ये क्या कोड थे वो भी आपको बता देता हूँ एक बार में। तो जैसे ही मैं इसको कोड को देखूँगा, रीड कोड में जाके, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये कोड आ रहा है P0501 करके, स्पीड सेंसर एयर सेंसर का दिखा रहा है कुछ। तो ये सेंसर का कोड भी आ रहा था, और हम कितनी बार भी इसको इरेज करते रहेंगे ये नहीं जाएगा जब तक वो कपलर हमें ठीक करना पड़ेगा। तो फाइनली अभी एक बार इसका ये जो मेरे पास सेंसर पड़ा है दूसरा वाला, इसको कनेक्ट करके एक बार आपको दिखाता हूँ कि कोड भी जाता है और उसके बाद स्पीडोमीटर भी इसका ठीक होता है नहीं होता है। तो एक बार इसको लगा लेते हैं कपलर को। तो गाइस फाइनली अभी मैंने जो मेरा सेंसर था वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ दिखा देना एक बार, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और पीछे भी कनेक्ट कर दिया जो ये गाड़ी के साथ कर रहा है। ये अभी गाड़ी में ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की रब जो इसकी ब्लेडिंग स्क्रू की रबड़ है उसके साथ जुड़ा है, तो ये इसी में लगा है, मैंने अपना सेंसर लगा दिया। और आप देख सकते हैं ये किलोमीटर में भी अब सारे जो यहाँ एरर आ रहे थे वो चले गए, और ये लाइट कंटिन्यू आ रही थी अब ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है। दिखा दो मोड, दिखा दो अब कि डल रहे हैं, एक बार चेंज करके दिखा दो, फिर चेंज हो रहा है ना ये भी। हाँ। तो फाइनली जो इसमें गाड़ी में दिक्कत थी, और यहाँ आप एक बार यहाँ भी दिखा देना, सारे काम कर रहे हैं ना? हाँ, आप सब काम कर रहे हैं। और ये यहाँ भी दिखा देते हैं एक बार आपको, मैं रीड कोड में दोबारा जाता हूँ एक बार, तो यहाँ मैं दोबारा दिखाता हूँ एक बार, यहाँ भी कोई कोड नहीं है। तो कभी भी ऐसा काम कराने के बाद कोई दिक्कत आती है और अगर P0501 करके कोड आता है तो आप इसको ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपको मेरी शॉप में आना है तो मेरी शॉप पिथौरागढ़ में है, NS मोटर्स करके, आप आ सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं अपनी गाड़ी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।